कोडर एनर्जी ड्रिंक है जी। आपको पता है जो भाई सऊदी अरेबिया में मुकीम है कि सऊदी अरेबिया में एनर्जी ड्रिंक के मामले को लेकर कोड रेड सबसे ज्यादा सेल होता है। तो बात कर लेते हैं कि आज की न्यूज के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया से लाइव हूं जी आपके साथ में। आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट भाई, इंटरनेशनल फ्लैट्स को लेकर एक अच्छी न्यूज सामने आ रखी है। यानी कि जो न्यूज है आप भाई शायद इससे पहले किसी चैनल के ऊपर देख चुके हो, लेकिन मैं आपके साथ थोड़ी डिटेल शेयर कर दूंगा। और इस न्यूज का क्या इंटरनेशनल फ्लैट्स के ऊपर कोई किसी किस्म का भाई असर हो सकता है, और जो मेरे पाकिस्तानी और इंडियन भाई हैं उनको क्या इस चीज से फायदा होने वाला है, आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूं मैं। यकीनन फायदा होने वाला है। क्या है मैं आपको बता देता हूं भाई। सबसे पहले तो आपको न्यूज का पता चल चुका होगा, ये मैं आपको बता भी देता हूं। सऊदी अरेबिया में डोमेस्टिक फ्लाइट यानी कि दमाम टू जिजान टू रियाज टू जिजान जद्दा टू तबूक, आप किसी भी शहर में सफर करना चाहते हैं फ्लाइट्स के थ्रू, तो भाई आपको पता है आपको एक टिकट महंगी मिलती थी। ऊपर से एक जहाज में तीन बंदों की सीट है, एक बंदा बैठेगा फिर एक बैठेगा, दरमियान वाली सीट खाली छोड़ दी जाती थी। इस वायरस के चलते हुए अभी ये भाई खत्म कर दिया गया है उन बंदों के लिए जिन बंदों ने इस वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट कर ली हैं। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मेरे भाइयों ने इस वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट कर ली हैं, जैसा कि मैंने कंप्लीट की है। और आपके साथ मैंने वो एक वीडियो लाइव शेयर भी की थी, यानी कि लाइव जैसे कि वैक्सीन लगाई जा रही है क्या सूरत हाल है, आपको तवक्कलना में आपको परमिशन वगैरह के आपको जो अपॉइंटमेंट वगैरह है उसके मुतालिक जो भी डिटेल थी कुछ दिन पहले ही मैंने शेयर की है। तो दोनों डोज बहुत से बंदे कंप्लीट कर चुके हैं, और ये उन बंदों के लिए ही है जो इस वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट कर चुके हैं। खबर तो आपको समझ आ गई होगी जी। एक से दूसरे शहर आप यहां पर सफर करना चाहते हैं तो आपको दोनों डोज कंप्लीट हैं, तो आपको कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। और जो एयरलाइंस हैं उनको भी इस चीज से फायदा होगा, यानी कि सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट मुनाफा ज्यादा आएगा और बंदों को भी इस चीज से फायदा होगा। भाई टिकट रेट कम होंगे, जब तीन वाली सीट के ऊपर तीन बंदे बैठेंगे जाहिर सी बात है तो फिर इस लिहाज से टिकट रेट भी डाउन होंगे। शर्त तो मैंने आपको बता दिया ये वैक्सीन की। तो अभी बात कर लेते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुतल्लक, क्या इस चीज का कोई असर हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। वो कैसे भाई? सऊदी अरेबिया अपने कंट्री के अंदर सबसे पहले पाबंदियां लगाता है, उसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुतल्लक लगाता है। सबसे पहले अपनी कंट्री के अंदर ही पाबंदियां खत्म करता है, उसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुतल्लक या इंटरनेशनल भाई जो पाबंदियां होती हैं वो खत्म करता है। अभी सऊदी अरेबिया ने ये जो पाबंदी यानी कि कोरोना की ये पाबंदी खत्म कर दी है कि आप तीन बंदे इकट्ठे बैठकर एक जहाज में सफर कर सकते हैं एक सीट के ऊपर, बशर्ते कि दोनों डोज आपकी कंप्लीट हो। तो भाई आप जब पाकिस्तान से या इंडिया से इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल होंगी उस टाइम सफर करेंगे तो आपको टिकट रेट कम मिलेंगे जी मेरे भाई। आपकी जो टिकट, आपको एक टिकट मिल रही है 1,20,000 की जब फ्लाइट्स ओपन होंगी तो वही टिकट आपको भाई मेरे हिसाब 70,000 या 75,000 के अराउंड में मिलेगी। क्यों? क्योंकि तीन बंदे इकट्ठे सफर कर सकेंगे, वैक्सीन की दोनों डोज तो आपको पता ही है, तो शर्त है। अभी बात कर लेते हैं फ्लाइट्स के मुतालिक। तो भाई जब सऊदी अरेबिया ने अपनी कंट्री के अंदर ये शर्त खत्म कर दी है, इस भाई सिंपल सी मुराद है कि कोरोना की पाबंदियां खत्म हो रखी हैं, इससे दूसरी इस बात से भाई दूसरी बात यही समझ आती है कि इस वायरस की जैसे ही पाबंदियां खत्म हो रखी हैं वैसे वैसे इंटरनेशनल फ्लैट्स बहाली भाई करीब आती जा रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही दिनों में तमामतर इंटरनेशनल फ्लैट्स पर भी ये पाबंदी खत्म कर दी जाएगी और बहुत जल्द इंटरनेशनल फ्लैट्स सऊदी अरेबिया के लिए ओपन भी कर दी जाएंगी।